हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका कुकिंग कमलेश में। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ एक मटन के अंदर बहुत ही बढ़िया रेसिपी, जिसको हम कीमा कलेजी गुर्दे कपूरे के नाम से हम इसको जानते हैं, और इसकी ये हम रेसिपी बनाएंगे। तो ये चारों चीज़ें जो हम बनाएंगे एक ही डिश बनेगी और बहुत ही बढ़िया बनेगी। कीमा खाने में बहुत टेस्टी लगता है और गुर्दे कपूरे हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। वैसे तो जो बकरे का मीट होता है वो तो उसके तो सारे पार्ट ही बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है बहुत ही अच्छी है और हेल्दी है। तो चलिए हम इसे बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। जो ये होती है, ये तो है कीमा, ये है कलेजी और ये गुर्दे कपूरे। तो ये चार पांच चीज़ों का कॉम्बिनेशन आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी, जो बनाने के बाद बहुत ही टेस्टफुल हो जाता है और आप और चीज़ें खाना छोड़ के बार बार इसको बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत झटपट बट के तैयार हो जाता है ये। तो ये क्वांटिटी मैं आपको बताती हूँ, 250 ग्राम मैंने कीमा कुटवाया है और उसके बाद 250 ग्राम ही ये तीनों चीज़ें हैं, तो टोटल हमारा वज़न हो गया आधी किलो, 500 ग्राम। तो चलिए अब हम इसको बनाने की तैयारी करते हैं शुरू। तेल इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा डलता है और मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ। सरसों के तेल में मटन का स्वाद ही बहुत अच्छा आता है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले डालूंगी। सबसे पहले हम दो डालेंगे इसके अंदर तेज पत्ते, ये दो छोटे सिनेमन की स्टिक, एक बड़ी इलायची, तीन ये छोटी इलायची हैं और 8-10 हैं इसके अंदर काली मिर्च, जीरा। अब हमने ये चार प्याज को जो मीडियम साइज की थी उनको हमने चॉप करके छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया है। ये देखिए प्याज हमारा मौसम में इसी तरह चाहिए था। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपना ये कीमा। कीमा और प्याज दोनों एक साथ भुनेंगे। कीमा हमारा इतना बढ़िया प्याज के साथ भुन गया है। अब हमको ये दूसरे चीजें भी डाल देंगे। ये भी हमारी हेल्थ के लिए जो कपूरे होते हैं वो बहुत ही फायदेमंद होते हैं, शरीर में एक बहुत ही ताकत आ जाती है अलग सी। कहने का मतलब है कि बकरा एक होता है लेकिन उसके अंदर जो टेस्ट होते हैं हर अंग का अलग अलग बात होती है। जैसे मटन होता है, चाप होती है वो हम खाते हैं, उसके बाद एक ये चीज होती है और एक होता है पाया, चिड़ी पाया जो बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं और जो सर्दियों का मौसम होता है ये चीज़ों के खाने की ये हमारे शरीर में थोड़ी गर्माई बना के रखती हैं। अब हम इसके अंदर मसाले डालते हैं, ये भी भुन गया हमारा। अब ये डालेंगे हम इसके अंदर, ये थी हमारी 8-10 लहसुन की कलियां और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और 2 हमने हरी मिर्च। तो इसको हमने हाथ से पीटा था थल्लड़ में, अगर आपके पास पेस्ट है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन जो हाथ की कुटी चीज होती है उसका स्वाद ही अलग होता है। इसमें 2 चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर धनिया पाउडर, ये बेकिंग मिल्क पाउडर 1 चम्मच और ये हमारी कुटी हुई लाल मिर्च और ये हमारा 1/2 चम्मच हल्दी, ये 1/2 चम्मच हम डालेंगे गरम मसाला। हम इसको मिलाएंगे अच्छी तरह हम इन मसालों को भून लेंगे। ये थोड़ी सी हम डालेंगे इसके अंदर धनिया की डंडिया, इनका स्वाद बहुत बढ़िया आता है, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। तो ये कसूरी मेथी, अब ये मैंने 2 टमाटर जो छोटे छोटे चॉप कर लिए हैं इनको भी हम डाल देंगे इसी के अंदर। टमाटर डालें तो उनको गलाने के लिए हमारे को इसमें नमक भी जरूरी डालना है, 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया है, बाकी का आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको इसी तरह चला चला के और थोड़ा एक बार हम इसको ढक के पकाएंगे जिससे कि टमाटर अच्छी तरह गल जाए और आपस में सारे मसाले हमारे कीमे के साथ अच्छी तरह मिल जाए। हम इसको ढक देते हैं, किस तरीके से हमारा सारा ऑयल जो है रिलीज हो चुका है। बस अब हम इसके अंदर डालेंगे दही, दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल दही है ये। अब
बस हम इसको दही को 5-7 मिनट और पकाएंगे। उसके बाद हम अपनी कीमा कलेजी को देखेंगे, अगर और कसर होगी तो हम इसको और पकाएंगे। अभी हम फिलहाल इसको ढक देते हैं, अच्छी तरह हमारा जो दही है वो ग्रेवी के अंदर मिल जाए। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी कीमा कलेजी और गुर्दे कपूरे बनके तैयार हो गए। तो बस अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो इसके अंदर आप पानी डाल सकते हैं, और पानी आप कभी भी डालें इसके अंदर तो हमेशा गर्म पानी डालें। और अब हम इसको प्लेटिंग करने की तैयारी करते हैं, गैस को हम कर देते हैं बंद। हमारे को इसी तरह लटपटी चाहिए, ये कीमा कलेजी है इसको लटपटाई खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है। तो गैस को हम कर देते हैं बंद और थोड़ी सी इसको हम धनिया की पत्ती से गार्निश करते हैं। ये दो हरी मिर्च और ये थोड़े से हमारे अदरक के जूली मिर्च। अब हम इसकी करते हैं प्लेटिंग। ये लीजिए हमारी मटन में वैरायटी कीमा कलेजी गुर्दे कपूरे, ये चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही बढ़िया लगता है और जब भी इसे खाएंगे आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको किस तरीके से बनाया है और इसमें कौन कौन से मसाले डाले हैं। सिर्फ घर के ही सिंपल मसालों से बनाया है हमने इसको, कोई बाहर का कुछ भी इसके अंदर नहीं डाला है। तो आप देख सकते हैं देखने में कितनी अच्छी है, मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए ये हमारा है कलेजी का पीस और कितना अच्छा ये पक के तैयार। अंदर तक कितना जूसी है और कितना बढ़िया ये हमारा कपूरा है, टेस्ट इसका भरपूर है। तो आप भी इसे बनाइए खाइए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।